थोड़ा थोड़ा करके मेरा देश बदल रहा है। क्या आपको पता है आजकल चल क्या रहा है? देखो, बहुत गुस्से में है आज का भारत, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एक तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एक पर बात करना चाहूँगा, वो है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट? एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट, हर कोई बोलना चाहता है, बोलना भी चाहिए और आवाज़ भी उठानी चाहिए इस तरह की चीज़ों पर, तभी हमारा भारत और ज़्यादा आगे बदलेगा और ज़्यादा बेहतर बन पाएगा। तो बोलना पड़ेगा, वक्त आ गया है, बोलना पड़ेगा। सही सच्चे इंसान की पूरा सपोर्ट करो, जो नकली बैठे हुए हैं, जो नकली है, पूरा का पूरा नकली सिस्टम है, उसको उखाड़ फेंको और अपनी पसंद इस तरह बनाओ जिससे आपको, सही में कह रहा हूँ मैं, भारत अगर अच्छा देखना है ना आपने, तो मेहनती लोगों को आगे बढ़ाओ और जो कचरा है ना उसको उखाड़ फेंको। अब ये कचरा जो भी है, अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देख, सबसे पहली तो क्लास लेते हैं करण जौहर की। करण जौहर नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा कचरा है वो। हालांकि एक्टर नहीं है, ना ही वो ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ के लिए काबिलियत रखता हो। वो एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर समझ सकते हो आप। प्रोड्यूसर वो जो पैसा लगाता है, राइट? प्रोडक्शन हाउसेज है उसके, अपनी कंपनी है, जैसे जितने भी थिएटर्स में मूवी लगती है वो उस हिसाब से मैनेजमेंट सब कुछ उसके अंडर है काम, सारा बजट जो भी लगता है मूवी के लिए, राइट? अब उसकी एक एक ऐसी पिक्चर्स हैं, ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें उसने उन्हीं को रोल दिया हुआ है जो ऑलरेडी स्टार किड है, स्टार किड जिसे कह सकते हैं, वो फंटर लोग हैं, वो फंटर बच्चे हैं जो, यार उनको एक्टिंग तो छोड़ो, उनसे कुछ भी नहीं होगा, रियल लाइफ में कुछ भी ना होगा। यार पता नहीं किस तरह मूवीज़ चल जाती हैं उनकी, पता नहीं कैसे कर देते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैंने तो एक भी मूवी नहीं देखी उसकी, एक भी मूवी देखी हो। अगर असली मूवी देखनी है ना, अगर असली मूवी देखनी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी कितनी अच्छी मूवी है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की देख लो, और मनोज वाजपेयी की देख लो, कितने अच्छे अच्छे एक्टिंग कर रखी है, ये होती है मूवीज़। तो आयुष्मान खुराना की देख लो, आयुष्मान खुराना कितना लाजवाब एक्टर है ना, माय बाय गॉड भाई। उसकी लेटेस्ट मूवी एक बाला आई थी पिछले साल, बाला, और एक और भी आई थी, बहुत अच्छी थी वो भी। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जो देखने लायक है। सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी मूवी देख लो, छिछोरा देख लो, कितनी बेहतरीन से बेहतरीन अदाकारी है। पता नहीं लोग किस तरह का, समझ में नहीं आता, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा सभी लोगों को। थोड़ा सा अपने अंदर वो एंथुजियाज्म लाओ कि वो चीज़ें चले जो सही में अच्छा कंटेंट है, वो चीज़ें नहीं जो कचरा है। यार ये कचरे को उखाड़ फेंको, जो दिखता है वो बिकने ना दो, जो दिखता है ना वो बिकने ना दो बिल्कुल भी। अब ये टाइगर श्रॉफ को कहाँ से लिया है यार? टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग आती है क्या? बात करते हो आप भी। टाइगर श्रॉफ सिर्फ मानता हूँ फ्लेक्सिबल सा है, थोड़ा एक्टिंग एक्शन करता है बस, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, उसी के दम पे है बस। और मैं तो समझ रहा हूँ कि देखने लायक मूवी नहीं है उसकी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 किसने देखी है? मेरे को तो नाम भी नहीं पता था कब आई कब गई, पता नहीं कौन कौन लोग देखते हैं, राइट? चलो देखते हैं, देखने दो, मैं ज़बरदस्ती तो लगा नहीं सकता किसी पे, पर इतना ज़रूर कहूँगा जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, अमित बडाना को उठा के देख लो, आशीष चंचलानी को उठा के देख लो, ये यूट्यूबर्स हैं पर ये एक्टिंग से भरे पड़े हैं। एक्टिंग जैसे अगर मूवी में आने लग गए ना, सबको उखाड़ फेंकेंगे ये, सच कह रहा हूँ मैं। और आप सभी का सपोर्ट चाहिए बस, आप सभी का सपोर्ट इस तरह चाहिए कि उनको देखो ही ना, उन लोगों को देखो ही ना जो ऑलरेडी कचरा है। करण जौहर को तो ऐसा मन कर रहा है, इंस्टाग्राम पर जाओ सभी के सभी और कोशिश करो
स्प्रेड करो ये मैसेज, स्प्रेड कर दो कि इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट है, साइड में ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक कर दो पूरी तरह से, एवरीबडी अनफॉलो, ब्लॉक करो, देखो ही ना उसको यार। पता नहीं किस तरह से लोगों ने फॉलो कर रखे है, पैसे लगा रखे हैं उसने, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं समझ में आता उससे उसमें क्वालिटी क्या है। नकली इंसान, घमंड ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है भाई। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो सच्ची रियल लाइफ में देखेगा ना वो ही असली है, असली चीज़ है, और ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो कुछ हद तक मैं समझता हूँ नेपोटिज्म कुछ हद तक ठीक है, करते हैं लोग, हर कोई करता है, हर इंसान करता है, राइट। देखो सेठ का बेटा अपने बेटे को ही बिठाएगा अपनी सीट पे, किसी सेल्स पर्सन को तो बिठाएगा नहीं, राइट। हर एक जानता है इंसान कि कोई अपना होगा, उसी कोई अपनी जो राजगद्दी है, जो जो भी आपके पास है वो अपने बेटे को या किसी अपने को ही देगा, किसी और को तो देगा नहीं, राइट। कोई दिलेर बंदा ही होगा जो करेगा, राइट। अच्छा इंसान होगा वो, सच्चा इंसान होगा वो, जो ऐसे करेगा कि किसी काबिलियत इंसान को अपना सब कुछ दे पाए, राइट। तो मैं कहने की बात ये है, देखो करो, जिसको करना है नेपोटिज्म करो, जिसको करना है कुछ जो मर्जी आए करो, मेरा कहने का बस इतना तात्पर्य है। जो काबिलियत रखते हैं उनको बढ़ावा करो, जो सच्चे दिल से जो मेहनत करके उठे हैं, जो नीचे स्तर से ऊपर पहुँचे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, या फिर मनोज वाजपेयी की तरह, या फिर इरफान खान की तरह, या फिर कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो निचले स्तर से ऊपर उठे हैं, आयुष्मान खुराना की तरह, सुशांत सिंह राजपूत की तरह, उन लोगों को सपोर्ट करो, बढ़ावा दो, बजाय इसके कि उन लोगों को जो कचरा है ऑलरेडी, जो कचरा है ऑलरेडी। यार आलिया भट्ट को एक्टिंग आती है क्या? और ये कौन सी है, वो सोनम कपूर, वो यार इनको छोड़ना बंद करो, देखना इनको बिल्कुल देखना बंद करो, इनके तो जीरो फॉलोवर्स होना वही अच्छा है, इनके तो जीरो होने चाहिए, जीरो। मैं तो चाहूँगा आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, और ऐसे लोगों को बढ़ावा दो जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग करते हैं, जो मन लगा के मेहनत करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अपने दम पर कुछ कर गुजरते हैं, राइट। वो इंसान ज़्यादा इंसान अच्छा है, बजाय इसके कि जो इंसान इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, जो इन कचरा को ऊपर उठा रहा है, राइट। यार काबिलियत कभी छुपेगी नहीं, पर अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, कुछ करने का जुनून होगा, वो हमेशा बाहर निकल के आएगा। और आप सही सही बता रहा हूँ, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उन लोगों का ही जो सच में कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, राइट। दिस इज़ ऑल माई वर्ड्स फॉर यू। आपका मन करे सब्सक्राइब करो, आपका ना मन करे चले जाओ, बस मेरा इतना सा कहना है कि सच्चे लोगों को, सच्चे जो ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, जो सच्चे दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की तरह। देखो मैं ये तो नहीं बता रहा कि उसका क्या कारण है, कि why he was into that position, into that circumstances, उस सिचुएशन में क्या था, राइट। मैं इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस कचरे को उखाड़ फेंको। करण जौहर हो या सलमान खान हो या उसका भतीजा हो, कोई भी हो, उखाड़ फेंको, उसको देखो ही ना, अनफॉलो करो यार ऐसे लोगों को, नकली है ये लोग, नकली है, जीने नहीं देते ये लोग, सच बता रहा हूँ, जीने नहीं देते।